उत्तर भारत में मौसम लगातार करवट ले रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड दस्तक देने वाली है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो राज्य में मौसम साफ बना हुआ है, फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 20 अक्टूबर के बाद यूपी में ठंड दस्तक दे सकती है, वहीं बिहार में दिवाली और छठ के आसपास ठंड पड़ सकती है। बात करें झारखंड की तो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। वहीं इसका असर राजधानी में देखने को नहीं मिलेगा। 16 से 18 अक्टूबर तक बादल छाए रहने का अनुमान है। इससे न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। बात करें पहाड़ी राज्यों की तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में पीने का पानी जमने लगा है। उत्तरी राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले कुछ दिन पारे में और गिरावट आने और ठंड बढ़ने के आसार हैं। कई राज्यों में बारिश की संभावना भी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई समेत पुणे, ठाणे, नासिक, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, अहमदनगर, पालघर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की आशंका जताई गई। नागपुर में वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया।